को गर्म किया जा रहा है। ओ नो, कितने अज्ञानी हो तुम। मैं आप सबको बहुत ज्यादा आयरन और मिनरल्स दूंगा, खालो खालो खालो, मुझे मुझे जल्दी खालो, जल्दी खालो। लेकिन आलू, आलू खाते हो ना, घर में जो आलू आता है उसमें से कुछ ऐसे भी आलू होते हैं जो कि हरे हरे रहते हैं, कुछ जगह पे ग्रीन रहते हैं, कुछ ऐसे आलू होंगे जो कि आधे आलू तो ग्रीन है जैसा ये है ना, आधा आलू तो उसमें आपको ग्रीन दिखाई देगा और आधा जो है आपको नॉर्मल दिखाई देगा। तो क्या ये आलू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो एक्स्ट्रा चाय बच जाता है तो क्या करोगे, उसको क्या ढक के रख दोगे और फिर कोई आ जाता है गेस्ट, चलो गेस्ट को पिला दिया? नहीं नहीं नहीं, गेस्ट क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो गेस्ट के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पालक कहता है कि अब तुमको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पहले ही बोला जब आप घर में पालक लेके आते हो तो क्या आपने सुना नहीं क्या वो पालक कहता है, बहुत बहुत चीख चीख के कहता है कि पका लिया है, अरे मैं पक गया हूँ, कढ़ाई के अंदर पक के तैयार हो गया हूँ, फटाफट सबके सब मुझे खा लो, जल्दी से मुझे खा लो। अगर सब अभी जो है, लो भाई ढक के रख दिया, लो है ना, तो पालक जो है वो ढक गया, कह रहा है अब क्या करूँ, है ना, अब तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। फिर 2 घंटे के बाद फिर गैस ऑन हुआ, अब ढक्कन हटा तो पालक ने सोचा क्या किया जाएगा, मुझे खाया जाएगा, लेकिन खाया नहीं जा रहा है, वापस से पालक को गर्म किया जा रहा है। ओहो, अब पालक जो है ना बहुत गुस्सा करता है कि नहीं नहीं ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा मत करो, है ना, खाना को गर्म मत करो, मत करो, बहुत चीख चीख के बोलता है कि इनके द्वारा निकाला गया जो जहर है ना, वो जहर डायरेक्टली हमारे शरीर के CNS और PNS पर अटैक करता है। मतलब क्या, आप कहेंगे मैम CNS और PNS क्या होता है? तो CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप सब छोड़ के समझ लो कि CNS और PNS का मतलब होता है हमारा ब्रेन, है ना, हमारा, खाएंगे तो जाएंगे भी, ठीक है, तो खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो जा रहे हैं, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ अपने शरीर से निकाल रहे हैं, ठीक है। वो तब बैक्टीरिया जो है वो जाग उठता है कि आ गया मेरा वाला है ना मौसम, है ना, इस मौसम में मैं झूमूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, है ना। उस हॉलिस्ट्रेंड्स 2 चैनल है, दोनों चैनल को आप जरूर विजिट करिए। एक तो चैनल है MS वाली श्वेता मैम, जहां पर आपको मिलते हैं क्लास 8 से लेकर के और क्लास 10 तक का पूरा साइंस का सिलेबस आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको ऐसे भी टॉपिक्स मिलेंगे वीडियो क्लास प्लेलिस्ट में, आप वीडियो क्लास में जाइए तो वहां पर आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो जनरली आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि टेटनस के बारे में, पोलियो की 2 बूंद के बारे में, बाल में ऑयल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, डेंड्रफ हो जाए तो क्या करना चाहिए, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं उन क्वेश्चन के जवाब आपको मिलते हैं इसमें, ठीक है। ये MS वाली श्वेता मैम इस चैनल पर, ये साइंस का चैनल है। दूसरा चैनल है प्रभास सर के वीडियोस, है ना, प्रभास सर के वीडियोस, इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सारे, इसमें मैथ्स से रिलेटेड आपको यहां पर वीडियोस मिलेंगे। तो बच्चों दोनों ही चैनल को विजिट जरूर करना, पक्का गारंटी देती हूं कि आपका ये सब्सक्राइब करना और विजिट करना चैनल ये बेकार नहीं जाएगा, आपको यहां पर बहुत ही फायदा मिलेगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी और एकदम इजी वे में, मतलब वीडियोस को पढ़ करके आपको मजा आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली आपके हेल्थ से रिलेटेड है। तो बच्चों जानकारी आपको जो भी मैं दे रही हूँ, ये जानकारी आपको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है बल्कि अपने फैमिली में सबको बताना है। ख़ास तौर से आपको ये जानकारी अपनी मम्मी को ज़रूर बतानी है, क्योंकि देखिए घर में जो अगर हेल्दी है ना, तो फैमिली अगर हेल्दी है, बीमार नहीं हो रहे हैं, तो ये भी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी मम्मी, ठीक है। और अगर बीमारियां निकलती हैं तो वो भी बीमारियां कहाँ से आती हैं, हमारे किचन से होके ही आती हैं, ठीक है। तो किचन से रिलेटेड मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, तो ये जानकारी सभी बच्चों को अपनी अपनी मम्मी को समझाना है, सिर्फ समझाना ही नहीं है बल्कि अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहां पर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा खाना है, कौन सा भोजन है जो हमको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नहीं खाना चाहिए का मतलब कैसे नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, लेकिन हम उसको, उसको जब हमने पकाया तो उसको हमको रीहीट या मल्टीपल हीट नहीं करना चाहिए, दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। आज तो हम पढ़ रहे हैं कि हमको कौन से खाने को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो भी जबरदस्त वीडियो है, उसमें हम ये देखेंगे कि हमको क्या चीज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। खाना ही नहीं चाहिए वो चीज, वो खाने से ही, मतलब उसको पकाने की तो बात छोड़ो, उस चीज को खाने से ही वो क्या है, पॉइजन है, पॉइजन खा रहे हैं, मतलब खा नहीं रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं, पॉइजन ले रहे हैं, ठीक है। तो जानकारी के बिना बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन अच्छा, नॉलेज नहीं है, बात पता नहीं है और मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है। तो इसलिए आज इस चीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहला है स्पिनेच एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऐसी कोई भी वेजिटेबल्स जो कि जिसमें कि हरी हरी पत्तियों वाले हैं, जैसे कि आप मेथी के पराठे खाते हैं, जैसे कि आप पालक खा रहे हैं ना, पालक की सब्जी खा रहे हैं, तो
ये जो जो भी जैसे स्पिनच, स्पिनच मतलब क्या होता है, पालक होता है, तो पालक से बनी हुई सब्जी आप किसी तरीके का पालक को चाहे कैसे भी इस्तेमाल करो, तो उस पालक जो है, ये यहाँ पर पालक है। अब ये पालक कहता है कि हाँ हाँ मुझे खाओ, है ना, पालक खुद ही कह रहा है कि मुझे खाओ, मेरे अंदर बहुत सारा आयरन है, मिनरल्स है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ब्लड बढ़ेगा, और ब्लड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा आपके शरीर में, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो अगर आपके शरीर को बहुत सारा ऑक्सीजन मिलेगा सबको, तो आपके शरीर के हर एक सेल जो है वो हेल्दी होंगे, सब चेयरअप होंगे, सब खुश रहेंगे, और इस तरीके से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो पालक खाइए, पालक बहुत फ़ायदेमंद है, खाना चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है कि कैसे खाओ तो ज़रूर मुझे, लेकिन मुझे दोबारा गर्म मत करना, है ना। पालक ने पहले ही बोला, जब आप घर में पालक लेके आते हो तो क्या आपने सुना नहीं क्या, वो पालक कहता है बहुत बहुत चीख चीख के कहता है कि पका लिया है, अरे मैं पक गया हूँ, कढ़ाई के अंदर पक के तैयार हो गया हूँ, फटाफट सबके सब मुझे खा लो, जल्दी से मुझे खा लो। अगर सबके सब जल्दी से मुझे खा लोगे और कढ़ाई को बिल्कुल खाली कर दो, है ना, पूरा सब्जी खा जाओ, सबके सब अगर खा जाते हैं तो मैं आप सबको बहुत हेल्दी रखूँगा, मैं आप सबको बहुत ज़्यादा आयरन और मिनरल्स दूंगा, खा लो खा लो खा लो, मुझे मुझे जल्दी खा लो जल्दी खा लो। लेकिन अरे ये क्या कर दिया, खाया नहीं अभी है, आधा ढक के रख दिया, अभी तो खा रहे थे निकाल रहे थे, और अभी जो है लो भाई ढक के रख दिया लो, है ना। तो पालक जो है वो ढक गया, कह रहा है अब क्या करूँ, है ना, अब तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। फिर दो घंटे के बाद फिर गैस ऑन हुआ, अब ढक्कन हटा, तो पालक ने सोचा क्या किया जाएगा, मुझे खाया जाएगा, लेकिन खाया नहीं जा रहा है, वापस से पालक को गर्म किया जा रहा है। ओहो, अब पालक जो है ना बहुत गुस्सा करता है कि नहीं नहीं ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा मत करो, है ना, खाना को गर्म मत करो मत करो, बहुत चीख चीखे बोलता है, लेकिन आप सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, तो फिर ये हो जाती है गड़बड़ी। अब गड़बड़ी क्या होती है कि पालक के अंदर जो पालक है इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, है ना। देखो ध्यान से समझो, इस पालक के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है ना, ट्रेट और ट्राइट्स के बारे में। तो ट्रेट का मतलब क्या होता है, जब ए टी ई लगा है ना, ट्रेट, ट्रेट है मतलब यहाँ पे रैट, आर ए टी रैट आ रहा है ना, तो यानी कि एन ओ थ्री माइनस, फॉर्मूला इसका होता है एन ओ थ्री माइनस, और नाइट्राइट्स लगा होता है तो एन ओ टू माइनस। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आपको मन हो तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आपको तो समझना है। तो देखो ये जो होता है ना पालक, उसके अंदर होते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स को जब आप खाने को आप गर्म कर रहे हैं, पालक को गर्म कर रहे हैं, मना कर रहा था ना पालक कभी कढ़ाई में कि मत गर्म करो, लेकिन आपने गर्म किया तो नाइट्रेट्स चेंज हो गया नाइट्राइट्स में, ठीक है, अभी और गर्म करते जा रहे हो। अब पालक कहता है कि अब तुमको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम इतना खतरनाक काम कर रहे हो, है ना। फिर तुमने उसमें से सब्जी निकाली और उसको ढक करके रख दिया, वापस पालक को ढक दिया, ठीक है, और दो घंटे के बाद वापस पालक को हटाया, फिर कोई आया उसको फिर सब्जी गर्म किया और गर्म करके फिर उसके सामने सर्व किया जा रहा है, फिर पालक को गर्म किया जा रहा है। ओ नो, कितने अज्ञानी हो तुम, है ना। तो पालक बहुत बोलता है, बहुत डांटता है कि अब नाइट्रेट, पहले नाइट्रेट्स था, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ, आप गर्म, आपने और ज़्यादा गर्म कर दिया, तो नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोसेमेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोसेमेंस में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, तो नाइट्रोसेमेंस क्या है, ये एक प्रकार का कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एक प्रकार का कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। ये बन गया ना नाइट्रोसेमेंस, बन गया ना नाइट्रोसेमेंस जो है, इट इज़ वेरी डेंजरस, है ना, डेंजरस। इसके ऊपर तो डेंजर का साइन लगा लो, ठीक है, बहुत ही बड़ा, बहुत खतरनाक है ये, डेंजरस होता है। तो नाइट्रोसेमेंस बन गया डेंजरस, और ये क्या है, ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, मतलब खतरनाक है। कितना खतरनाक, इतना खतरनाक है कि शरीर के अंदर ये कैंसर तक, है ना, शरीर के अंदर बहुत सारा, जैसे ओसोफेगस कैंसर, बहुत तमाम प्रकार के कैंसर दे सकता है। तो पालक की सब्जी आपने बड़े अच्छे से सर्व किया है ना, लो बच्चों खा लो, है ना, गेस्ट खा लो, सबको आप, पूरे परिवार को पालक की सब्जी आप खिला रहे हैं, बार बार गर्म करके खिला रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि आप सब्जी नहीं खिला रहे हैं, बल्कि वो पालक तो बोल रहा है लेकिन पालक की लैंग्वेज और उसका आवाज़ आपके कानों तक आई नहीं, और गलती से, है ना, बाय मिस्टेक
ऐसी चीज खिला रहे हैं हम अपने बच्चों को, है ना, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड खिला रहे हैं जो कि कैंसर कैंसर देता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को जनरेट करता है, है ना। ऐसा ना हो, बिल्कुल ऐसा ना हो, इसीलिए ये मैं जानकारी दे रही हूँ और इस जानकारी को फैलाना है, ठीक है। तो देखो, पहला तो ये हो गया, पहला ये पालक खुद ही कहता है कि मुझे रीहीट मत करो, मत करो मुझे गर्म, बार बार मुझे गर्म मत करो, एक बार आपने गर्म किया और गर्म कर किया तो खा जाओ, है ना, तो खा जाओ। तो हम कहते हैं कि भाई अभी सारे के सारे लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो क्या जब बाकी लोग आएंगे तो क्या वापस फिर सब्जी बना लें, ऐसा करें? तो हमने कहा, तो पालक ने उसका भी एक सोल्यूशन दिया। एक सोल्यूशन है कि जब सब्जी बन करके तैयार हो गई, ध्यान से सुनो, सोल्यूशन लिख नहीं रही हूँ, आप समझ लीजिए, है ना, कि जब सब्जी बन करके तैयार हुई तो गर्म तो था, आपको जितने को खिलाना है खिला लिया, उसके बाद तुरंत सब्जी को उठा करके कहाँ रख दो, फ्रीज में रख दो, ठीक है, फ्रीज में रख दो, ठंडे में रखो, ठंडे में, उसको गर्म में ही मत रहने दो। जितनी देर तक सब्जी के अंदर वो गर्माहट रहेगी तो ये कन्वर्जन चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ये रास्ता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सब्जी को क्या करो, उठा करके फटाक से फ्रीज में रख दो। फ्रीज में जब सब्जी रहेगा तो फ्रीज में सब्जी एकदम ठंडा हो गया, है ना, वापस जब सब्जी ठंडा हो गया ना तो ये पूरा प्रोसीजर यहीं स्टॉप, है ना, रुक गया, सब वहीं रुक गया। तो लो भाई, है ना, पालक भी आहा चलो बचा हुआ है ना, खतरा जहर नहीं बना, जहर नहीं बना है, ठीक है। तो पालक अभी जहर नहीं बना हुआ है। अब अगला बंदा आता है तो उसको गर्म करो, गर्म करके फट से उसको खिला दो, ठीक है ना, मतलब उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं, बस सर्व किया और फट से उन्होंने खा लिया, ठीक है। तो उसमें फिर ये वाला साइकिल यहाँ तक चलने में, मतलब यहाँ तक आने का उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो सुरक्षित रहता है। तो एक बार दो बार हीट कर लिया, चलो फ्रीज में रख करके ठीक है, लेकिन आप बार बार गर्म करके उसको छोड़ दे रहे हैं कढ़ाई में ही, जितनी ज़रूरत है निकाल ले रहे हैं, बाकी को गर्म छोड़ ढक दिया और वहाँ गर्माहट है ही, तब तो ये चीज़ जो है ना पक्का, अब ये चीज़ साइकिल चलता रहेगा और वो ये वाला कंपाउंड बनता रहेगा, और ये कंपाउंड बन जाता है तो वो सब्जी क्या बन गई है, जहर बन गई, जहर खतरनाक। अब ये पहला आपने देखा है ना, खतरनाक। अब बाकी में भी सब ऐसे ही होता है। दूसरा है राइस, चावल। अब चावल देखो कितनी अच्छी बात है ना, कि चावल खाने से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। आप चावल खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि चावल के अंदर होता है एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैसिलस सीरस बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैसिलस सीरस बैक्टीरिया ये प्रेजेंट होता है, ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस सीरस बैक्टीरिया, ठीक है, रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। और ये चावल को आपने क्या किया, बनाया और उसके बाद गर्म गर्म चावल ही आपने जितना बनाया उतना सर्व कर दिया, खा पी करके खत्म, तब तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने बनाया, बना करके वैसे ही गर्म आपने छोड़ दिया है, ठीक है। अब गर्म छोड़ दिया है तो इस बैक्टीरिया को गर्माहट जैसे जैसे डाउन होता जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर पहले चावल का बहुत ज्यादा था, उसी गर्म गर्म चावल को आप सबने खा लिया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उस कुकर के अंदर आपने बनाया है या जिस जहां भी आपने चावल बनाया है, जिस भी बर्तन में, वहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, बाकी चावल आपने जो रखा है ठंडा होता जाएगा, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा ना जबकि चावल न तो बहुत ज्यादा ठंडा है और नहीं बहुत ज्यादा गर्म है, बीच बीच में नॉर्मल टेम्परेचर में पहुंचेगा, वो टेम्परेचर इस बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है। वो तब बैक्टीरिया जो है वो जाग उठता है कि आ गया मेरा वाला, है ना, मौसम, है ना, इस मौसम में मैं झूमूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, है ना, उस बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा मौसम आ गया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 2 1 2 2 2 4 नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाएगा, प्रोडक्शन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। अब देखते ही देखते पहले जितने बैक्टीरिया थे बैसिलस बैक्टीरिया, अब ये बैसिलस सीरस बैक्टीरिया, अब देखते ही देखते उस चावल में बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई इन वार्म एनवायरनमेंट, क्योंकि इनको गर्माहट मिली, वो भी इनका वाला मौसम आ गया था, जब इनका मौसम आएगा ना तभी ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो, फिर एकदम ठंडा हो गया तो इनका मौसम चला गया, कोई बात नहीं, है ना, फिर कोई किसी को खिलाना है, आपने उस चावल को फिर थोड़ा गर्म कर दिया, ठीक है, गर्म करके सर्व तो कर दिया, बचे हुए चावल को वापस ढके रख दिया, तो गर्म तो हो गया था बहुत ज़्यादा। अब जैसे 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 वापस से इनका मौसम आएगा, मतलब हल्का गर्म जब रहेगा वो ऐसा मौसम आएगा, तो फिर वापस से ये आ गया हमारा मौसम, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, और ये क्या करते हैं, एक फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं, मतलब उस चावल में जहर बना रहे हैं, जब ये खाएंगे
देखो इनकी संख्या बढ़ेगी, ये उस चावल को खाएंगे, यूज़ कर रहे हैं, ये भी तो खा रहे हैं, ये उस चावल को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करेंगे खाएंगे तो जाएंगे भी, ठीक है, तो खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं तो जा रहे हैं, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ अपने शरीर से निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, जहरीला पदार्थ, है ना, तो टॉक्सिक सब्सटेंस अपने शरीर से ये निकालते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, और फूड पॉइजनिंग कैसे हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, है ना, तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिक, देखो टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, ये क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस अपने शरीर से निकालेंगे, और ये जहरीला पूरा उस जहर उस चावल के अंदर मिल रहा है। अब अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इस चावल को आप खाते हैं, या आपने घर में सोचो कि आप अपने अपने जो है कलेजे के टुकड़े को चावल ये खिला रहे हैं, तो ये चावल कितना खतरनाक है, ठीक है ना, डेंजरस चावल है। तो इसके लिए भी यही होता है कि भाई एक बार ही बनाओ और खा के ख़त्म कर दो, और नहीं तो बचा हुआ चावल तुरंत के तुरंत फ्रिज में रख दो, ताकि इनका वाला मौसम आए ही ना और ये जर्मिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ठंडा वहाँ रहेगा ना फ्रिज में, सडनली इतना ज़्यादा ठंडक हो जाती है कि फिर इनका मौसम आता तो है लेकिन फट से निकल जाता है, और इनको मल्टीप्लाई करने का, अपनी संख्या बढ़ाने का इनको समय ही नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो ये वहाँ पे जर्म ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, और दोबारा एक बार आपने और वापस गर्म किया और फट से उस गर्माहट में ही, तेज गर्म में ही खा के ख़त्म कर दो, ठीक है, तो इस तरीके से ये वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पोटैटो, आलू। आप सोचो आलू तो सब खाते हैं, आलू के हर सब्जी में आलू डलता है, ठीक है ना, मतलब हर सब्जी में तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम सब्जी में आलू डलता है, आलू के बिना कौन सी सब्जी बनती है, बहुत सारी सब्जी है जो कि आलू के बिना भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर घरों में आलू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो आलू के अंदर जो है वो इतना डेंजरस आप सोच नहीं सकते, वो इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है साइलेंट किलर, एकदम चुपचाप जो है साइलेंट ये किल कर देता है, तो खतरनाक है, जो कि पोटैटो के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आप देखिए समझिए, ये क्या करता है, जब आप इसको रीहीट करते हैं, आलू की सब्जी को बार बार आप गर्म करेंगे, है ना, तो बार बार गर्म करने से क्या होता है कि ये जो होते हैं इनकी संख्या बढ़ेगी, जैसा ये बढ़ रहा था इनकी संख्या बढ़ेगी, और इनकी संख्या बढ़ेगी तो जब ये खाएंगे, है ना, उस आलू को ये भी खा रहे हैं, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट इनको भी चाहिए, ये भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो जाएंगे, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस अपने शरीर से निकालेंगे, वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, और इनसे होने वाली बीमारी को हम बॉटुलिज्म कहते हैं, ठीक है, बॉटुलिज्म ये एक डेंजरस फूड पॉइजनिंग, एक खतरनाक फूड पॉइजनिंग होता है, मतलब इस तरीके का अगर आलू है जिसको बार बार रीहीट किया गया हो, मल्टीपल हीट किया गया हो, कई बार गर्म किया गया हो उस सब्जी को, तो उसके अंदर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ने का कारण सब में यही है बच्चों, कि वो टाइमिंग आती है ना, जब जिसमें कि ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, तब ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और संख्या बढ़ा करके पूरी इनकी कॉलोनी क्या पूरा, तो मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट तैयार कर देते हैं उस आलू के अंदर, ठीक है, और इतनी संख्या में जब ये खा रहे हैं और इतनी संख्या में जब ये अपने मुँह से जहर निकाल रहे हैं, तो वो पूरे आलू में जहरी जहर फैल जाता है, ठीक है, और ये जो बीमारी होती है इसको बॉटुलिज्म कहते हैं, डेंजरस फूड पॉइजनिंग होती है, ये ऐसा फूड पॉइजनिंग है कि इनके द्वारा निकाला गया जो जहर है ना, वो जहर डायरेक्टली हमारे शरीर के CNS और PNS पर अटैक करता है। मतलब क्या, आप कहेंगे मैम CNS और PNS क्या होता है, तो CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आप सब छोड़ के समझ लो कि CNS और PNS का मतलब होता है हमारा ब्रेन, है ना, हमारा दिमाग, ठीक है, तो ये जो है ना सीधे इनका जो पॉइजन है वो इतना खतरनाक है जो सीधे हमारे दिमाग पर अटैक करता है, और इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और मसल्स, ये मस्कुलर मसल्स पैरालिसिस हो सकता है, ये मसल्स काम ही करना बंद कर दें, ठीक है, पैरालिसिस होता है ना कि भाई अब ये हाथ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इस हाथ को कुछ भी ऐसे करो तो उठाना, इसको उठा करके रखना पड़ेगा, ठीक है, और जैसे ही छोड़ेंगे वापस ऐसे चला गया, मतलब पैरालाइज, शरीर को पैरालाइज कर सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है, इतना खतरनाक है ये, सोचो ये बैक्टीरिया ही इतने खतरनाक है। मैंने आपको पढ़ाया था एक बार फूड पॉइजनिंग में, मैंने आपको बताया था ना कि केन के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है केन वाले, उसके अंदर ये क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम पाए जाते हैं, है ना, बॉटुलिनम, ठीक है, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके अंदर भी, ठीक है।
तो ये हो गया। अब बचाने का तरीका बस वही, सब में वही है कि पोटैटो है, आपने सब्जी बनाई है ना, तो एक बार चलो आपने खा लिया, दोबारा एक बार और आप खाना चाहते हैं एक चांस और, तो उसको उठा करके तुरंत कर दो स्टोर इन फ्रीज, फ्रीज के अंदर उसको रख दो और उसके बाद फिर बाद में उसको तुरंत फ्रीज कर दो है ना, ठंडा कर दो और ठंडा करके एक बार वापस गर्म करके और टेस्ट गर्म करके चलो खा के ख़त्म कर देना, ताकि इनको ना जहर उगलने का टाइम ही ना मिले कि तुम जहर उगल सको। ठीक है, तो ये हो गया तीन। चौथे नंबर पर आता है कुकिंग ऑयल है ना, जो हम ऑयल जिसमें कि हम पूड़ियाँ तलते हैं, ठीक है, कितना अच्छा लगता है खाने में, तो ठीक है पूड़ी वगैरह पकौड़ी खाते हैं आप, पकौड़े वगैरह ये सब खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो कुकिंग ऑयल है ना, इसको भी मल्टीपल हीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बार 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 इसको गर्म नहीं करना चाहिए। तो करें क्या, तो करें ये कि कम ही ऑयल लो ना एक बार में। देखो मैं भी ये आइडिया करती हूँ कि कम ऑयल कढ़ाई में लो और उसमें क्या करो कि जैसे एक बार में अगर आपने भर दिया है ऑयल, ठीक है, तो एक बार में मान लो कि बहुत सारा पकौड़ी आप निकाल रहे हैं, 10 पकौड़े निकाल रहे हैं, चलो भाई हम 10 पकौड़े एक साथ नहीं निकालेंगे, हम जो है 5 ही पकौड़े निकालेंगे, कम ऑयल रहेगा तो कम ही निकलेगा ना पकौड़े, हम 5 ही पकौड़े निकालेंगे, लेकिन उस ऑयल को हम एक बार दो बार ही इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद तो वैसे ही वो कम है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फेंक देंगे उसको। ठीक है, फेंक दो बेस्ट है ना, दवाइयाँ खाने से बेस्ट है कि दवाइयों में पैसे जाएगा, उससे अच्छा कि उस ऑयल को ही फेंक दो है ना। तो मल्टीपल हीट करने से इंक्रीज ट्रांस फैट, इसके में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है, उस ऑयल के अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आपने बार 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 उसको इस्तेमाल किया, ट्रांस फैट बढ़ गया, अब वापस आप उसमें कचौड़ी पका, वो जो है कचौड़ी को तल रहे हो, तो उस कचौड़ी के अंदर जो है ट्रांस फैट जमा होगा और फिर आप उसको खाएंगे, ट्रांस फैट गया आपके शरीर के अंदर, ट्रांस फैट आपके शरीर के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, ठीक है, ट्रांस फैट क्या करता है, ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस खतरनाक प्रकार वाला फैट है ये। वैसे तो फैट हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन ये डेंजरस फैट है। अब ये क्या करेगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें नसें होती हैं, जिसमें कि खून बहता रहता है, ठीक है, ये नसें होती हैं जिनमें खून बहता है, ये नसें वैसे तो इतनी होती हैं कि आराम से इसके अंदर से ब्लड जो है इस पाइप से आराम से आता जाता है, लेकिन ये जो ट्रांस फैट है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, पचते नहीं हैं इनको खाने से, और ये जा करके ना ये क्या होते हैं कि इन वेसल्स के, इन पाइप के ऊपर जैसे ऐसे 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 जमा होने लगते हैं। ठीक है, तो देखो पाइप पहले इतना मोटा था है ना, आराम से ब्लड यहाँ यहाँ से फ्लो हो रहा था, लेकिन जमा होते होते इसके रास्ते को इन्होंने क्या कर दिया, नैरो कर दिया, देखो कितना सकरा कर दिया। अब ब्लड तो उसी स्पीड से भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, हार्ट तो ब्लड उसी तरीके से पंप कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ उस तरीके से निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, उतनी आराम से मतलब नहीं निकल पा रहा जितने आराम से पहले, अब डिफ़िकल्टी होगी ना, तो जहाँ तहाँ जो है वो फंसने लगते हैं। ठीक है, ब्लॉकेज बनने लगता है, ब्लॉकेज है ना, हार्ट अटैक मैंने पढ़ा रखा है टॉपिक, उसमें देखना, उसमें मैंने ये पूरा ब्लॉकेज के बारे में बताया है, तो ब्लॉकेज बन जाता है जिससे कि हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। और ज़्यादा देखेंगे आप कि ऑयली वगैरह ज़्यादा खाने से या ट्रांसफैट आपके शरीर में ज़्यादा जा रहा है, इसके सेवन से जानकारी नहीं है, एक ही ऑयल में तले जा रहे हैं, या जो पुराना ऑयल बचा था नया ऑयल वापस उसी में डाल दिया। ठीक है, तो लो भाई ट्रांसफैट पूरे में मिक्सअप हो गया, आपका नया वाला ऑयल भी खराब हो गया है ना, तो उसी में मिक्स किए जा रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, पुराने वाले को फेंको और नया वाला इस्तेमाल करो। ठीक है, एक बार दो बार बस इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 बार उससे ज़्यादा नहीं है ना, तो रीहीट करने से ऐसा होता है बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस इन द कंपोनेंट, क्योंकि उसके अंदर केमिकल चेंजेस, ट्रांसफैट बन जाता है कैसे, बार 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 वो ऑयल, एक ही ऑयल गर्म हो रहा है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेस होंगे और बन जाएगा ट्रांसफैट, और ये ट्रांसफैट जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये हो गया चौथा। अब हम आ जाते हैं पांचवा, टी, चाय के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे है ना, जब चाय को हम रीहीट करते हैं, बार बार गर्म करते हैं, तो इसमें टैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने एक बार चाय को बनाया और जितना इस्तेमाल करना है किया, अगर एक्स्ट्रा चाय बच जाता है तो क्या करोगे, उसको क्या ढक के रख दोगे और फिर कोई आ जाता है गेस्ट, चलो गेस्ट को पिला दिया, नहीं, गेस्ट क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो गेस्ट के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके जो बच गए हैं ना चाय उसको फेंक दो है ना, फेंकना बेस्ट है। ठीक है, उनको बीमार करके भेजने से अच्छा है कि उसको फेंक दिया जाए, तो उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि रीहीट करने से उसके अंदर, उस चाय के अंदर टैनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे तमाम प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है, पेट के अंदर गैस बनेगा, और गैस का बनना भी कोई मामूली नहीं है, है ना, हम कहते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, सबको ही होता है, हाँ होता तो है, लेकिन ये गैस इतना डेंजरस
होता है कि जान भी जा सकती है, आपको पता है ये चीज़। मैं इस पर भी आपको एक टॉपिक जरूर समझाऊंगी ना कि गैस कितना खतरनाक होता है। तो शरीर के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बन सकता है, एसिडिटी बढ़ की मात्रा बढ़ सकती है ना, शरीर आपका ब्लड एसिडिक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि टैनिन की मात्रा बढ़ने से, टैनिन वो चाय आप जो पीते हैं ना, तो आपका ब्लड एसिडिक बन जाएगा। एसिडिक बन जाने से इन्फेक्शन भी आपको जल्दी होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जल्दी होगा, ठीक है। इंसोमिया हो सकता है, मतलब नींद ना आना, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि शरीर में टैनिन की मात्रा बढ़ गई है। एंजाइटी हो सकती है, मतलब घबराहट हो सकता है, कंस्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, यानी कि अच्छी तरीके से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो ये सब परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आपको मैंने बच्चों कितने पढ़ाए, 5 मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना। ये चीज़ आपको अपने घर में अपनी मम्मी को जरूर बताना है। और देखो, मैं केवल ना ये चीज़ नहीं कि आपको केवल पढ़ा रही हूँ, बल्कि उसके पीछे का पूरा साइंस भी आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप उसको रीज़न के साथ बता सकें कि ऐसा नहीं खाना चाहिए और क्यों, है ना। हमारी श्वेता मैम ने हमको ऐसा बताया है, ठीक है। तो देखो, मैं साइड हो जाती हूँ बच्चों, इसको पूरा आप एकदम नोट डाउन कर लो। और ये बहुत खतरनाक ये सारी चीज़ें देखो है, अगर इसको रीहीट या मल्टीपल हीट किया गया तो, ओके। वैसे तो नॉर्मली आप ले सकते हैं, एक बार बनाओ, खा जाओ, ख़त्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ही शानदार टॉपिक उसमें पढ़ने वाले हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी जो कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपको आपको पता नहीं है लेकिन आप खा लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, आलू, आलू खाते हो ना, घर में जो आलू आता है उसमें से कुछ ऐसे भी आलू होते हैं जो कि हरे हरे रहते हैं, कुछ जगह पे ग्रीन रहते हैं, कुछ ऐसे आलू होंगे जो कि आधे आलू तो ग्रीन है जैसा ये है ना, आधा आलू तो उसमें आपको ग्रीन दिखाई देगा और आधा जो है आपको नॉर्मल दिखाई देगा। तो क्या ये आलू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी कि क्या ये कितना खतरनाक हो सकता है और नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों एक बार मैं देखो साइड हो जाती हूँ, और आपने इस पूरे को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप जरूर देखना नेक्स्ट वीडियो। किसको किसको नेक्स्ट वीडियो देखना है नीचे कमेंट में भी जरूर बताना, कमेंट करते रहिए बच्चों, कमेंट करने से एनर्जी बनी रहती है, कम से कम ये लगता है ना कि बच्चे देख रहे हैं। और आपके अगर मन में कोई क्यूरियोसिटी हो, कुछ पूछना हो, तो भी नीचे कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछिए, ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके, हैव अ नाइस डे। आ जाओ।